हे हाउ इज़ इट गोइंग मैन, आप देख रहे हैं मिकटाओ इंडिया। तो ये स्टोरी तो आप लोग सब सुन ही होंगे यार, दो दिन लेट हो गया हूँ मैं। मियाँ खलीफा का डिवोर्स हुआ है। रॉबर्ट सैंडबर्ग एक स्वीडिश शेफ है, अपेरेंटली आफ्टर ए ईयर ऑफ थेरेपी वो दोनों गिव अप किए हैं शादी पर। ये लोग की शादी होकर 2 साल हुआ है, सही है, उसमें से 1 साल तो ये लोग थेरेपी कर रहे हैं, बोल रहे हैं। थेरेपी यानी ये मैरिज काउंसिल जो एडवाइस देते हैं, हेल्प करते हैं शादी बचाने की। हाँ गाइस, मिकटाओ कम्युनिटी, रेड पिल कम्युनिटी अनडिफीटेड है। प्रेडिक्शंस कभी गलत नहीं हुए हम लोग के। भाई आप लोग समझ रहे क्या हो, ये चूतिया समझ रहा क्या है? रंडी से शादी करेगा तो क्या वो बीवी बन के रहेगी? दुनिया की सबसे बड़ी रंडी ऊपर से भाई, इसे लेबल किया गया वर्ल्ड्स बिगेस्ट सिंप, एंड जस्टिफाइबल भी है भाई। दुनिया की सबसे बड़ी पॉर्न स्टार जो 1 सेकंड दूरी पर है उसके पूरे न्यूड्स एंड वीडियोस फ़ोन पर, वो बंदी से कैसा कर पाया शादी? समझ के बाहर, बिल्कुल समझ के बाहर। अब ये कैसे मज़े लेगी इसके देखने का है। ये तो फेमस शेफ़ है, पैसे वाला होगा, प्रॉपर्टीज़ भी होंगे मस्त। ये इतनी बुरी गांड मारने वाली है इसकी, अब मज़ा आएगा। ये दुनिया में सिंप जब तक रहेंगे, मीडिया वैसी पोर्ट्रे करेगी कि यार देखो ऐसे औरतों से भी करने वाले हैं शादी, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, औरतों को यही बताएंगे। लेकिन जब ऐसे सिम्स चुटते हैं ना ऐसी रंडियों से, तब मज़ा आता है और थोड़ी अवेयरनेस भी ऐसे न्यूज़ आर्टिकल से आती है लोगों को कि बच के रहो। और हमारा काम होता है मिकटाओ क्रिएटर्स का प्रमोट करें और शेयर करना ये। और वैसे गाइस, ऐसे लोगों के साथ ऐसी हुआ तो अच्छा है, कुछ बुरा मैं तो खुशी हो रही है। ऐसे जब सिम्स चुटते हैं ना और रंडी चूत के जाती है ये लोग को, प्रॉपर ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है ये लोग की। अब 50% प्रॉपर्टी, 50% सैलरी, 50% सेविंग्स लेकर के तो ऑब्वियसली चूतेगा बंदा। और नॉर्मल कॉमन मैन, ऑर्डिनरी मैन के साथ हुआ अगर होता है ये तो फिर भी ख़राब लगता है। लेकिन आप सीधा पॉर्न स्टार वगैरह से शादी कर रहे हो, ये चूतिया पाए, ये लोग तो ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। और मेरा सवाल ये है कि क्या सोच कर शादी किया था इसके साथ ये? आप पैसे वाले हो, फेमस हो, फेमस ही हो गए मियाँ खलीफा का, अगर आपको मिल रहा है अटेंशन तो आप रंडियाँ ख़रीदो यार, इंस्टाग्राम मॉडल्स ख़रीदो, पैसे डालो, मस्त मज़े करो, छोड़ दो, ठीक है। ये इसके साथ भी, मियाँ खलीफा के साथ भी डेट पर डेटिंग करो, जो दो मज़े लो, लेकिन बहन छोड़ शादी ही कर लिया जाकर। मैं 1 सेकंड में इसका गैंग बैंग वीडियो निकालता हूँ। अजीब यार, मज़ा तो अब आएगा जब और न्यूज़ आर्टिकल्स आएंगे, ये मेरे साथ ऐसा किया, ये मेरे साथ वैसा किया, और चुतती जाएगी उसे, क्योंकि ये दीवानी ऐसी ही है, एकदम पागल। ये इंडस्ट्री में घुसी थी, फिर अपने मदर कंट्री को गालियाँ दी कि ये करते थे मेरे साथ, वैसा करते थे, सब बेकार बात। फिर ये वीडियोस वगैरह बनाए बाद, फिर वो एजेंसी को सू करी है कि भाई मैं रिग्रेट कर रही हूँ, मेरी वीडियोस डिलीट करो। फिर वो सब बातें चोद कर फिर खुद ओनली फैंस बनाई है। ये देखो यार, रंडियाँ इतने चुते हैं, इतना ड्रग्स लेती है, वे लोग का माइंड काम करता ही नहीं है, तो सेंस ढूंढने की बात ही नहीं है ये सब चीज़ों में। खैर, एज़ यूजुअल स्टे अवेयर, मिकटाओ मेंटालिटी अडाप्ट करें, शेयर करें वीडियोस ऐसे ऐसे सिम्स को चुटते हुए देखते हुए इंजॉय करें, शेयर करें ताकि हमारे भाई लोग सब रिपीट ना करें ऐसे चीज़। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।